अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 6 के अंदर देखिए वो हमसे क्या कह रहा है। वो हमसे कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ डज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हैव 1/2 द वैल्यू इट हैज ऑन द अर्थ सरफेस। देखिए जरा समझ लें, आसान सा न्यूमेरिकल है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ज़मीन की सरफेस पे जो ग्रेविटी है, क्या वो हम जानते हैं कि वो यही होती है? एग्जैक्टली, सीधी सी बात है कि सरफेस पे जो ग्रेविटी है उसका फार्मूला कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होता है, जिसमें आर ई क्या है, ज़मीन के सेंटर से ज़मीन की सरफेस तक का डिस्टेंस, जिसे हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो ज़मीन की सरफेस पर जो ग्रेविटी होती है वो ये होती है, और जिसकी वैल्यू बाय द वे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होती है। अब हम फर्ज करते हैं कि जहाँ पे वो ग्रेविटी की वैल्यू हमें दे रहा है, अब वो क्या कह रहा है, देखिए न्यूमेरिकल को अगर आप गौर सुनेंगे तो पढ़ें तो वो उसमें से आपको कह रहा है कि वो डिस्टेंस बताइए जहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू ज़मीन की सरफेस का हाफ हो जाए। ठीक है, तो मैंने कहा कि हम सपोज करते हैं कि वो डिस्टेंस क्या है, एक्स। हमें तो नहीं मालूम वो डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस कितना है, एक्स है, जहाँ पर ग्रेविटी 1/2 हो जाती है अर्थ की सरफेस वाली ग्रेविटी के, तो उसको हम कह रहे हैं जी डैश। तो जी डैश हमारे पास किसके बराबर है, मुझे बताओ। जी डैश वो हमसे कह रहा है कि 1/2 हो ज़मीन की सरफेस वाली ग्रेविटी के। मेरा ख्याल बात समझ में आ रही होगी। तो वो डिस्टेंस जहाँ पर ग्रेविटी ज़मीन की ग्रेविटी का हाफ हो जाए, वो डिस्टेंस हमें बताना है, और हमने इसको कैसे मार्क कर लिया, एक्स से। अब हम तो फार्मूला जानते हैं भाई, ग्रेविटी का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल जी, जो कि कभी चेंज नहीं होता, मास ऑफ अर्थ भी तब्दील नहीं होगा इस केस के अंदर हमारे पास, और अपॉन ये आर ही हमारे पास क्या है, ज़मीन के सेंटर से जहाँ पर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं वहाँ तक का डिस्टेंस। अब ज़मीन के सेंटर से जहाँ पर ग्रेविटी मालूम करनी है उस डिस्टेंस को, तो हमने एक्स कह दिया, तो इस दफ़ा मैं यहाँ पर एक्स पे स्क्वायर अप्लाई करूँगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ये सिंपल किस्म की बात है। ठीक है, तो हमें जहां पर ग्रेविटी दी हुई है, यानी न्यूमेरिकल नंबर अगर तुम 5 से कंपेयर करो, तो न्यूमेरिकल नंबर 5 में मसला ये था कि न्यूमेरिकल नंबर 5 के अंदर ग्रेविटी मालूम करनी थी, डिस्टेंस ये हुआ था, जबकि न्यूमेरिकल नंबर 6 के अंदर, इस 6 वाले के अंदर, उसे हमें ग्रेविटी दी हुई है और डिस्टेंस मालूम करना, ये उसका इस तरीके से रिवर्स है। तो हमने कहा वो डिस्टेंस एक्स स्क्वायर होगा, जहां ग्रेविटी कितनी हो जाए, जमीन की ग्रेविटी का हाफ हो जाए। मेरा ख्याल बात समझ में आ रही होगी। अब हम क्या कर रहे हैं जनाब, कि ये जो जी डैश है, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 g लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन एक्स स्क्वायर। मेरा ख्याल आसान सी बात होगी। अब मुझे बताओ, इसको मैं 1/2 रहने देता हूँ, और ये जो जी है, ये जी की वैल्यू किसके बराबर है, तो आप देख सकते हैं जी की वैल्यू है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लाके इस जी की जगह पे कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर को पुट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू, और ये राइट हैंड साइड कैपिटल जी एम ई अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप बहुत आसान है, जी से जी कैंसिल कर दें, एम ई से एम ई को कैंसिल कर दें, तो हमारे पास 1/2 को मल्टीप्लाई किया आर ई स्क्वायर से, आर ई स्क्वायर ये रह गया हमारे पास, इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर तो कैंसिलेशन हो चुकी है, तो 1/x² रह गया। तो अगर आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, या पूरी इक्वेशन को फ्लिप कर दें, जो आपको ज़्यादा आसान लगे। तो ये एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर में 2r² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2re². ठीक है, उसके बाद हमने एक्स मालूम करना है, तो इसके एक्स के ऊपर जो स्क्वायर है इसको हटाइए, तो जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ आपको रूट अप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, तो 2re² हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब हम ये बात जानते हैं कि जो 2 है उसको मैं, ये जो रूट है इसको 2 पे मैं अलग अप्लाई कर सकता हूँ, और मल्टीप्लाई बाय re² के ऊपर ये रूट मैं अलग अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से होता है, हम अलग अलग अप्लाई कर देते हैं, तो इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास एक्स इज इक्वल टू, जो 2 का रूट है वो मेरे पास बनता है 1.41 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या आ गया, सिर्फ आर ई आ गया। तो इसको अगर हम वर्डिंग्स में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1.41 मल्टीप्लाई को लिखेंगे टाइम्स, और आर ई को लिखेंगे अर्थ रेडियस। तो इस तरीके से आंसर हमारे पास ही आ गया, जो कि हमारे बुक में भी लिखा हुआ है। मेरे ख्याल आसान सी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब इसमें ये न्यूमेरिकल अपनी शक्लें बदल के एग्जाम में आ सकता है, और आया भी है ये एग्जाम में। वो क्या करेगा, वो आपसे बिल्कुल यही बोलेगा कि भाई ज़मीन की सरफेस पर जो ग्रेविटी है वो तो यही है। वो आपको कहेगा वो डिस्टेंस बताइए जहाँ पर ग्रेविटी, अब 1/2 की जगह पर, ये जो लफ्ज़ लिखा ना 1/2, इस 1/2 की जगह पर वो लिख सकता है 1/3,
तो वन थर्ड का मतलब क्या होता है, यानी 1/3, वो लिख सकता है 1/2 की जगह पे 1/4, तो 1/4 आपके पास क्या हो सकता है 1/4, वो इस 1/2 की जगह पे लिख सकता है, अल्फाज लिख सकता है 2/3, तो अगर वो आपसे 2/3 कहेगा तो 2/3 ये हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं है, जी डैश 1/2 है तो 1/2 है, अगर 1/2 की जगह पे 1/3 आ जाए तो 1/3 जी लिख दो यहाँ पर, सही है 1/3 जी, अगर 1/4 आ जाए तो यहाँ पे 1/4 जी आ जाएगा, 2/3 आ जाए तो 2/3 जी आ जाएगा। तो बस कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस वैल्यू को चेंज करना है इनके हिसाब से। तो मेरा ख्याल है एग्जाम में भी ये न्यूमेरिकल आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं।